दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि टिश्यू पेपर बनाने के लिए कौन से मशीनरी की आवश्यकता होती है, इसमें कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, इसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर बात की जाए टिश्यू पेपर के मार्केट डिमांड की, तो यहाँ पर दोस्तों टिश्यू पेपर की जो मार्केट डिमांड है काफी ज्यादा होती है। दोस्तों अगर इसमें घर का उपयोग देखा जाए तो यहाँ पर घर पर भी टिश्यू पेपर का काफी उपयोग होता है। जैसे हम लोग जो टिफिन लेके जाते हैं उस टिफिन में भी टिश्यू पेपर होता ही होता है। इसके अलावा दोस्तों हम जब भी टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में भी टिश्यू पेपर होता ही होता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कई सारे उपयोग होते हैं घर में भी जिसमें टिश्यू पेपर का काफी मात्रा में उपयोग होता है। दोस्तों अगर बात करें इसमें होटल की, तो होटल में भी हम चले जब जाते हैं तो होटल में भी आपको टिश्यू पेपर देखने के लिए मिल ही जाता है। दोस्तों अगर हम शादियों में चले जाए तो शादियों में भी टिश्यू पेपर प्लेट के नीचे आपको मिल ही जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसका जो उपयोग है ये हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छे प्रमाण में होता है। इसके बाद में रेलवे में भी इसका काफी प्रमाण में उपयोग होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहां पर भी टिश्यू पेपर का काफी प्रमाण में उपयोग होता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो टिश्यू पेपर की जो मार्केट डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस प्रकार ये जो बिजनेस है ये मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस कैटेगरी में आने वाला एक बिजनेस हो जाता है। तो दोस्तों इसकी जो मार्केट डिमांड है ये काफी ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले एरिया की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1500 स्क्वायर फीट से तो 2000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक इलेक्ट्रिक का कमर्शियल कनेक्शन भी लेना होगा और साथ ही में वहां पर आपको पानी की भी अच्छी व्यवस्था रखनी होगी। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले मशीन्स की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेन दो ही मशीनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी टू कलर ग्राफिक मशीन विद अटैचमेंट ऑफ पेपर नैपकिन। दोस्तों ये जो मशीन होती है ये दो अलग अलग कलर्स में आपके जो नैपकिन होती है उसमें लोगों को प्रिंट करने का काम करती है, और साथ ही साथ आपका जो पेपर नैपकिन है वो इसमें रोल होता है और सही तरीके से वो कट होता है। दोस्तों इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी एज सीलिंग और कटिंग मशीन की। दोस्तों जो आपका नैपकिन पेपर होता है वो जब उसकी जो एज होती है उसको वो सील करने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपके नैपकिन पेपर होते हैं उसे वो कट करने के भी ये मशीन काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये दो मशीनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भी अगर दोस्तों जो आपको मशीन्स लगेंगी वो आप इंजीनियर की जो जिससे भी आप मशीन खरीदोगे उनके इंजीनियर जो होते हैं उनके हेल्प से और भी जो मशीन्स लग सकती है उन्हें आप खरीद सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रॉ मटेरियल लगेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी टिश्यू पेपर। इसमें अलग अलग साइजेस आती है, इसमें जो मेन साइज होता है वो होता है 21 GSM का। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल्स की, और दोस्तों इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स की। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 10 से 12 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट लग सकता है। दोस्तों ये जो मेन मशीन होती है ये 8 लाख से लेकर तो 12 लाख के बीच में आपको अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में प्रॉफिट की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 20% से लेकर तो 40% तक का अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाली मैन पावर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैन पावर है उसमें सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की। दोस्तों ये काम आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी 4 स्किल्ड वर्कर की जो आपके मशीन्स के काम को संभाल सके। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी एक बैक ऑफिस की, तो जिसमें आप एक बंदे को रख सकते हो
एक कंप्यूटर की आपको आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा हिसाब किताब रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी 2 से 3 सेल्समैन की जो आपके लिए मार्केटिंग करके आपके लिए ऑर्डर्स को ला सके। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इतनी जो मैन पावर है इसकी आवश्यकता होगी। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में मार्केटिंग की तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता होगी। दोस्तों आप जब कोई भी कंपनी खोलते हो तो उसको सही तरीके से एक्सप्लोर करने का आजकल जो माध्यम बन चुका है वो डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा लोग बिजी जो होते हैं वो फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, या फिर यूट्यूब होता है, या इंस्टाग्राम होता है। ऐसे ही जगह पर लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा बिजी होते हैं। और दोस्तों ऐसे जगह पर अगर आपका प्रोडक्ट वहां पर उनको शो होता है, एक्सप्लोर होता है, तो वो उतने ही इंटरेस्ट के साथ जाकर आपके प्रोडक्ट को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आप किसी एक्सपर्ट को हायर करके यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप सेल्समैन रखते हो उनके द्वारा आप कुछ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको मार्केट डिमांड में बताया था, इसकी जहां जहां मार्केट डिमांड है उसी तरह आप आपके कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे आपके जो सबसे पहले टारगेट कस्टमर होते हैं वो होते हैं होलसेल मार्केट वाले लोग। यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि होलसेल में जब आप इस प्रोडक्ट को डालते हो तो उनके द्वारा रिटेल में ये प्रोडक्ट अपने आप पहुंच जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप टारगेट कर सकते हो किराना शॉप्स को, इसके अलावा मॉल्स को टारगेट कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्टली होटल्स को टारगेट कर सकते हो, स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर सकते हो, इसके अलावा आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनको टारगेट कर सकते हो, रेलवे में आप जो भी स्टॉल्स लगते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर आपको एक ह्यूज मार्केट पोटेंशियल मिलेगा जिसमें आप सही तरीके से आप टारगेट करके कस्टमर्स को चुन सकते हो और बहुत सारा बिजनेस यहाँ पर आपके लिए खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों ऑल ओवर ये जो बिजनेस है ये काफी डिमांडिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को करने से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रख के ही इसमें काम करना होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दें और ये जो सेल्समैन द्वारा आप जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो इस पर भी आप ध्यान दें। तो दोस्तों ये थी इस बिजनेस की ऑल ओवर बेसिक जानकारी। इस बिजनेस के लिए अगर हमें कभी फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिलता है तो हम उसके बारे में भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।